हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के व्रत के लिए लेके आई हूँ सेब तरबूज मॉकटेल। ये बहुत आसान है और फटाफट बन जाता है, तो चलें आज हम एंजॉय करते हैं सेब तरबूज मॉकटेल के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सेब और तरबूज से मॉकटेल बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने तरबूज ले लिया है, ये आधा किलो तरबूज है। इसका बीजा निकाल के हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और ये एक मैंने सेब लिया है, इस तरह से सेब हमने ले लिया है। इसको छील के कद्दूकस कर लिया है। और ये हमने बर्फ लिया है, इसका छोटे टुकड़ों में इसको हमने तोड़ लिया है। और आधा हमने नींबू लिया है। और ये 4 चम्मच हमने पिसी हुई शक्कर ली है। और ये हमने पुदीना लिया हुआ है, ये मैंने सूखा पुदीना लिया है, क्योंकि हर समय हरा पुदीना नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने इसको सुखा के रख लिया है। ये पुदीना किस तरह से सुखाया जाता है ये वीडियो हमने डाला हुआ है, आप मेरे लिंक पे जाके देख सकती हैं। और ये हमने 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, और ये मैंने सेंधा नमक लिया है। क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं सेब तरबूज मॉकटेल। हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, अब इसमें हम अपना ये तरबूज डाल देंगे। और ये जो हमने पुदीना सुखा के लिया इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और ये काली मिर्च भी डाल देंगे इसी में। अब हम इसी में ये नमक भी डाल देंगे, नमक हमें थोड़ा सा डालना है। और ये हम जो पिसी हुई शक्कर रखे हैं इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और ये बर्फ भी हम इसी में डाल देंगे। अब डाल के इसको हमें अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मेरा मॉकटेल पीस गया है। अब हम इसको इधर रखते हैं और ये नींबू का रस निकालते हैं एक कटोरी में, क्योंकि इसमें बीजा रहता है इसलिए हमें बीजा इसका निकाल देना है। और इस तरह से हम इसका बीजा निकाल देंगे और इसी में हम इसको डाल देंगे। और इसी में हम ये जो हमने घिस के रखा हुआ है सेब, इसको हम इसी में डाल देंगे। डाल के इसको हम अच्छे से इस तरह से मिला देंगे, इस जार में ही मिला देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिल गया। अब हम एक गिलास लेंगे और इसमें ये अपना मॉकटेल डाल देंगे। अब इसी के ऊपर हम इस हल्का सा ये जीरा पाउडर डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा सेब तरबूज का मॉकटेल बन के तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छा होता है और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोग इस व्रत में जरूर बनाइएगा ये सेब और तरबूज का मॉकटेल। तो चलिए आप लोग एंजॉय करें इसके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।